हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रिया की राजा बाबू एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग कैसे हो? और गाइस, आज जो है बहुत दिनों बाद हम दोनों आप लोगों के साथ ब्लॉग पे मिलने आए हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से नोटिस किए होंगे कि हम दोनों जो है मतलब ब्लॉग्स पे नहीं आ रहे हैं, रील्स नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं। हम एकदम पूरा पूरी है सबसे एकदम इनएक्टिव हो गए थे। तो हाँ, एकदम फ्रेंड्स जो है कि बहुत बड़ा एक गैप हो गया है। कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग, तो इसके पीछे पीछे जो है उसका भी रीजन है, वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे। वैसे तो जब से गूगल एडसेंस पे हम लोगों को आया था, तो तब मैं प्रिया को बोला था कि आज से जो है मैं रेगुलर ब्लॉग करूंगा, तुमको सपोर्ट करूंगा, हाँ ये सब मैं बोला था। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम जिस रीज़न की वजह से ब्लॉग्स नहीं बना पा रहे थे, ब्लॉग पे नहीं आ रहे थे, उससे ज़्यादा बड़ा बात यह है कि हम दोनों वहीं पे गए थे, जिसकी वजह से हम ब्लॉग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो तुमको मतलब मन उदास करने का या फिर बुरा लगने का मैं फिर कोई भी बात बोल नहीं रहा हूँ है? कि मैं हम लोग मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो बहुत दिन हम लोग घर पे ही नहीं थे फ्रेंड्स, हाँ, तो हम हम दोनों लोग घर पे ही हाँ नहीं थे। हम दोनों एक जगह पे गए थे, तो वही आज आप लोगों को बोल देंगे कि कहाँ गए थे, क्या हुआ। तो फ्रेंड्स हुआ ये है कि मेरे ऑफिस का एक कॉलिक है, कॉलिक का मेरा दोस्त ज़्यादा है, तो उनका जो मम्मी है उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। ठीक है, तो वो हॉस्पिटलाइज मतलब भर्ती हो गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी, हॉस्पिटलाइजेशन में थी। तो वहाँ पे भर्ती होने के 4 दिन बाद ही हम लोग को खबर मिला कि उनका मम्मी जो है एकदम मतलब गुजर गए, तो शिशु हमारे मोड, बीच में वो हाँ नहीं रहे नहीं हैं। है। तो उनकी मम्मी के साथ हम लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत अच्छा रिलेशन था। प्रिया को बहुत बार फ़ोन करके भी बातचीत हुआ था, मतलब हाँ, दूर में है घर, हाँ पर फिर भी ना मतलब अटैचमेंट बहुत अच्छा था, बहुत हमारा अच्छा था। बॉन्डिंग अच्छा था बहुत। और वो ना एकदम हमारी माँ जैसी थी, और हमसे बहुत प्यार करती थी, एकदम लड़की की तरह दिखती थी, और ना हमेशा खबर लेती थी फ़ोन करके। फिर मतलब हम दोनों के बारे में जानती थी, मतलब हमारे जो रिलेशन है हाँ हम सब लोग कुछ सब हम दोनों के बारे में हाँ वो एकदम जानती थी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जानने के बावजूद भी वो मुझे कितना प्यार से बात करती थी। तो ये सुन के ना मुझे बहुत बुरा लगा। और ऐसे अचानक खबर मिला कि ऐसे तो तबीयत खराब था, वो सब जानते रहे, लेकिन ऐसे मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के 4 दिन बाद ही ऐसा एक खबर हम लोग को मिलेगा, तो ये हम लोग दोनों एकदम पूरा शॉक हो गए कि ऐसा न्यूज़ पाके। तो प्रिया ने मुझे कहा कि ठीक है, ऐसा ऐसे बुरे वक्त में हम लोगों को जाना चाहिए उनके हाँ, घर। उनके घर जाना हाँ चाहिए, क्योंकि राय जी के साथ वो हमारे जो राय जी का ऑफिस कॉलीग है, मतलब एकदम फ्रेंड जैसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते बहुत राय जी से। तो मैंने कहा कि चलो उनके साथ रहेंगे तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा उनको भी लगेगा अच्छा लगा, ना। मेंटल सपोर्ट रहेगा हाँ, थोड़ा। तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी से हम गए थे, वहाँ पे गए थे। हाँ फ्रेंड, तो तो वो तो झारखंड था, तो दूर था, हाँ, दूर था। तो वहाँ पे गए तो लेकिन वहाँ पे जो माहौल था ऐसा माहौल नहीं था कि हम लोग ब्लॉग बनाए या कुछ करें, ये सब माहौल तो नहीं था एकदम अच्छा भी क्योंकि नहीं लग रहा था ये हाँ सब करना भी, पर हम लोग आप लोगों के बारे में सोचे थे कि हम ब्लॉग पे नहीं आ पा रहे, आप लोगों के साथ मिल नहीं पा रहे। तो फिर भी हमने राय जी को बोला भी है कि घर जाते ही आप लोगों के साथ हम ये सब बातें जो है बता देंगे, फिलहाल हम ये सब के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। तो हम हाँ सोच भी नहीं रहे थे ज़्यादा वहाँ पे, तो बस उन लोगों के साथ ही थे। अच्छे से सब दिन मतलब गुजरेगा, सब कुछ सब थोड़ा सा कुछ ठीक होगा, नॉर्मल अभी हुआ। थोड़ा नॉर्मल हुआ है, सब अपने अपने काम पे गए हैं, तो हम लोग भी वापस आ गए, आज ही आए हैं, ज्यादा देर भी नहीं हुआ है, 2 घंटा हुआ है हम लोग को घर में आने हुए आते हुए। तो अभी तो फ्रेश फ्रेश होके प्रिया बोले कि ठीक है चलो फ्रेंड लोगों से बात बोल देते हैं कि इतने दिन कहाँ थे, क्या हुआ, तो इसीलिए ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, अभी जो है रात अभी भी क्या? काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आप लोगों को यही बोलने के लिए आज ब्लॉग शूट किए हैं कि हम लोग इतने दिनों से इतना बड़ा जो गैप है ये क्यों हुआ। तो अभी तो खाना वाना तो कुछ शायद होगा नहीं, नहीं, आज तो मैं हाँ खाना वाना कुछ बनाऊंगी नहीं, हाँ क्योंकि मूड भी नहीं है कि कुछ नहीं, खाना ये एकदम अच्छा करे। भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ना थोड़ा थक गई हूँ आज, अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी वो तो जाने ऐसे हो एक गया ना माहौल से ज़्यादा। आए हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है कुछ। तो मैंने राय जी को बोला कि आज खाना वाना कुछ बनाएंगे नहीं, तो राय जी आते टाइम जो है मतलब ब्रेड लाए हैं और अंडा लाए हैं, तो मैं अभी वो डिम टोस्ट कर दूंगी।
हाँ वही एक टोस्ट बना लो और क्या करेंगे। हाँ तो वही ठीक है, बनाएंगे फिर तो फ्रेंड्स। कल से जो है हमारे फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर से हाँ सब कुछ चालू हो जाएगा कल से, क्योंकि ये इतने दिन सब कुछ पूरा बंद था, तो कल से काम है। सुबह ही जानते हो आप लोग सुबह ही निकलते हैं हम दोनों, तो सुबह ही निकलना पड़ेगा सब कुछ। मतलब कल से ही शुरू होने वाला है और हाँ कल ठीक से है, हम ट्राई। लोग अभी जब आ ही गए तो हम लोग हाँ फिर से ब्लॉग जो है कंटिन्यू करेंगे, बनाएंगे हाँ ब्लॉग। ठीक है, फिलहाल जो है तुम एक ट्रस्ट बना लो। हाँ मैं एक ठीक ट्रस्ट है। बना के फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। ठीक है। फ्रेंड्स प्रिया तो एक टोस्ट बना के एकदम रेडी कर दिए है, अभी इसको खाएंगे। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, यम्मी लग रहा है देखने में। अभी खाओ खा खाओ। के देखते हैं टेस्ट कैसा है। खाया ही नहीं क्या मुंह के अंदर जाने से ही मालूम पड़ जाए किसका टेस्ट कैसा है। अब खाना खाए तो मेरा अभी भी थोड़ा माइंड अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद खाना का है तुम्हारे हाथों से। हाँ ठीक है, एक एक टोस्ट है तो क्या कुछ नहीं होता है, कल से अच्छा अच्छा खाना बनाना। ठीक है तो कर तो फ्रेंड्स अभी जो है हम दोनों खा लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है समझ सकते हो, तो हम खाना खा लेते हैं और इसके बाद आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं। ठीक है, तो अभी खा लेते हैं। ठीक ठीक है। है हाँ चलो। खाओ चलो। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हमारा ये जो बिस्तर का नेट है ये लग गया है, और ये देखो इसको रेडी किया है राजा जी, अभी रेडी कर रहे हैं। है जी, कैसे लग रहा है? हाँ अभी तो बिस्तर में सोने की बारी है, बस सो जाएंगे है ना। हाँ तो फ्रेंड्स चलो देखो कितना अच्छे से राजा जी ने इसको तैयार कर दिया है। अभी तो मुझे देख कर ही क्या बताऊँ। अब तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ मैं अंदर जा हाँ रही हूँ। बिस्तर तो हो गए हैं रेडी और खाना भी तो हो गया है ना, तो अभी हम देरी नहीं करेंगे, अभी सो जाएंगे क्योंकि मुझे लग गया है नींद, बहुत ज़्यादा नींद आ रहे हैं। तो चलो सबसे पहले तो बिस्तर पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। राजू जी कहाँ हो तुम? बस हो गया मेरा। हाँ तो फ्रेंड्स बिस्तर पे तो आ गए हैं, बस सोने की देरी है। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और हमें आज पहली बार देख रहे हो, तो जी मैं बता रही हूँ कि मैं हूँ प्रिया, और इतने टाइम से मेरे साथ जिनको देख रहे थे वो है मेरा प्यारा सा राजा जी। ये राजा जी, हाँ हाँ। तो देखो फ्रेंड्स हम दोनों के बारे में जानना है तो जी हमारे काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, आप एक एक करके देख सकते हो और हमारे बारे में जो है जान सकते हो। और गाइज अगर आपको हमारी ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पास में जो छोटू सा प्यारा सा एक क्यूट से बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि हम जब भी कोई नया नया ऐसे ब्लॉग्स डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंच सके। तो जी फ्रेंड्स चलो आज के लिए तो इतना ही, अभी हम दोनों सो जाएंगे और फिर मिलते हैं कल। ठीक है, तो कल के लिए मिलते हैं। है जी, कल मिलोगे ना? हाँ एकदम जरूर मिलेंगे, कल मिलते हैं फिर। हाँ तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, एकदम गुड हाँ नाइट, गुड नाइट, शुभ बाय रात्रि, बाय।